हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी के लिए एक अपडेट है, एक खुशखबरी है। HSSC ने एक लिंक एक्टिवेट कर दिया है। इंतज़ार है वो आपका ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं पूरी अपडेट के बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है अंकुर भाई ने, तो अंकुर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट 12/2019 के कुछ रिजल्ट पीछे आए थे, ठीक है। अब उन्हें के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है। 13 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। रोल नंबर की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले एक स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा वो। और इसकी जो डेट थी वो 8 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में थी, ठीक है। तो दोस्तों, आज 10 तारीख हो चुकी है, वो लिंक एक्टिवेट आज हुआ है। पहले यदि हम एंटर करते थे तो कहीं ना कहीं जो कलर की DV थी उसी की ही डिटेल शो करता था, और उसके अनुसार जब हम रोल नंबर एंटर करते थे 12/2019 का, तो उसमें कैंडिडेट डाटा नॉट फाउंड इस टाइप से कुछ आता था। अब वो दोस्तों जो एरर है वो ख़त्म हो चुका है, और जो आपका लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। आज 10 तारीख को लिंक एक्टिवेट हुआ है, अंकुर भाई ने ये बताया है, तो अंकुर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये अभी मैंने दोबारा चेक किया तो अब वहाँ पर कुछ और एरर आ रहा है, ठीक है। वो आपका घंटे दो घंटे में ठीक हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, आपका जो DV का स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो अब भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक अपडेट थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। यदि अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।